हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए, आप लोगों का डीडी सेट का पेपर डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो था आपका, वो कुछ दिन पहले ही फिनिश हुआ है और अब बच्चे एकदम फ्री हैं और बच्चों को ऐसा लग रहा है कि यार जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए और हमें ये पता चल जाए हम कौन से कॉलेज में जा सकते हैं। बट कई बच्चों में ऐसी भी इच्छाएं मैंने देखी, क्योंकि बच्चों का रिस्पांस जैसा मेरे पास आ रहा है कि सर क्या आप एक वेबिनार प्लान कर सकते हैं क्या, जहां पे आप ये बताएं कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स वेकेंट हैं। तो आइए इस वीडियो में आपको बिफोर योर रिजल्ट ये बताता हूँ किन किन कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं फॉर डी टू डी एडमिशंस, ठीक है, हर ब्रांच के लिए। तो आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पर अगर आपको अभी तक एक्यूमेन का साथ, मुकेश राय का साथ पसंद आया हुआ है और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल। देखो, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है ना, वो बताता हूं आपको एक चीज। अपनी फैमिली बहुत छोटी है पर धीरे धीरे से ग्रोथ कर रहे हैं। इस साल का डीडी सेट आप लोगों के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रखा, अगले साल का डीडी सेट मुझे फिर से करना है और मेरे बच्चों के लिए एक प्रॉपर वे में करना है, जैसे इस बार हम लोगों ने रन किया। हर एक सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ाया गया, बट सिर्फ बच्चों को क्या चाहता हूं मैं कि बच्चा हमसे जुड़ा रहे ताकि हम सारी इंफॉर्मेशन बच्चे को दे पाएं। इसके लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जैसी अगला वीडियो आता है तो आपको पता चले, ठीक है। एक कॉमन मीट भी प्लान करने जा रहा हूं बहुत ही जल्द, जहां पे हम और आप मिलेंगे और एक बात की जाएगी कि कितने कितने मार्क्स पे आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। बट बिफोर दैट मीट, आइए इस वीडियो में समझते हैं कि कौन कौन से ब्रांच में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है, किन किन कॉलेजेस में, ठीक है। थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, इसे थोड़ा टाइम लेके बैठना, क्योंकि ये चीजें जल्दी में अगर समझा दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेके बैठिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने डीडी सेट एसीपीसी की साइट खोल के रखी हुई है आपके सामने। यहां पर नोटिसेस में अगर हम जाते हैं तो एक आया हुआ है भैया, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग। नाउ इसको मैंने ओपन किया तो अब मुझे क्या दिख रहा है यहां पे, अब मुझे हर कॉलेजेस के बारे में यहां पे डेप्थ में दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे, और मैं यहां पे आपके लिए सीट्स का पोर्शन अभी ओपन करके रख रहा हूं लाइक दिस, ठीक है। अगर फीस वगैरह भी देखनी हो तो मैं फीस वगैरह भी बता दूंगा आपको। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कॉलेज से, जो कि है हमारा डॉक्टर SS गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत का, ठीक है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत बोल सकते हो आप इसको। अब यहाँ पे टोटल कौन कौन सी ब्रांचेस में एडमिशन होता है वो देख लेते हैं। सिविल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ नहीं है, एनवायरमेंटल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अब एक पहला पैरामीटर आपको समझा देता हूँ कि भाई कैसे यहाँ पे सीट्स का एलोकेशन होता है, देन उसके बाद आपको आगे का हर चीज समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो टोटल इनटेक इनका 150 का है, ठीक है। ये 150 किसके लिए रिजर्वड है, डायरेक्ट डिग्री के लिए, ठीक है, डायरेक्ट डिग्री के लिए ये 150 वेकेंट सीट्स हैं, ठीक है। डी टू डी के लिए हो गया टोटल कितना, 15 सीट्स, कितनी 15 सीट्स इनके पास वेकेंट है। अब अगर मैं बात करता हूं तो 15 सीट तो डी टू डी के लिए ऑलरेडी रिजर्वड है, यानी 15 सीट्स तो वेकेंट है डी टू डी के लिए। नाउ मान लो इन 150 में से, ठीक है, लेट अस सपोज 116 बच्चों ने डायरेक्ट डिग्री में एडमिशन ले लिया सिविल ब्रांच में, जब 12th के बाद बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो 116 बच्चों ने एडमिशन ले लिया। अब 116 बच्चों ने एडमिशन ले लिया 150 में से, तो बची कितनी सीट्स डिग्री करने के लिए, तो बच गई 34 सीट्स, तो 34 सीट्स तो ये बच गई आपकी, तो 34 सीट अवेलेबल हो गई डी टू डी के लिए क्योंकि ये वेकेंट रह गई, और 15 सीट्स तो ऑलरेडी थी, तो ये वाला तो कॉलम आपके लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड है ही पहले से, बट यहाँ पे जो वेकेंट सीट रह जाएंगी वो भी आपके लिए अवेलेबल होती जाएंगी। तो टोटल बचा कितना भैया यहाँ पे डी टू डी के लिए, 34 प्लस 15 कितना हो गया भैया, 49 का हो गया, तो 49 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हो गई। सेम चीज डी टू डी के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 8 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है, इलेक्ट्रिकल में 15 सीट्स रिजर्व्ड है, अगर आप ईसी में देखते हैं तो 15 सीट्स रिजर्व्ड है, अगर आप एनवायरमेंटल में देखते हैं तो 8 सीट्स रिजर्व्ड है, और आप मैकेनिकल में देखते हैं तो 15 सीट्स यहाँ भी रिजर्व्ड है, ठीक है। नाउ अब अगर बात करते हैं कि भाई ब्रांच कौन सी लेनी है हमको और कौन से ब्रांच पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मैं जनरली बोलता हूं कि आपको ना थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप पास आउट होने वाले हैं 2027 में, जब 2027 में पास आउट होंगे तो उस समय का सिनेरियो क्या है, क्या उस समय मैकेनिकल टॉप पे होगा, क्या उस समय सिविल टॉप पे होगा, क्या उस समय इलेक्ट्रिकल टॉप पे होगा, क्या उस समय ईसी टॉप पे होगा, क्या आईटी टॉप पे होगा, सीएस टॉप पे होगा या केमिकल टॉप पे होगा। तो इस हिसाब से आपको ना एडमिशन लेने का प्रोसेस थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। जनरली अगर देखा जाए तो गुजरात केमिकल हब माना जाता है, तो केमिकल इंजीनियरिंग तो यहाँ पे बहुत बहुत ही ज्यादा फेमस है,
केमिकल तो एकदम भरा हुआ रहता है मैक्सिम कॉलेजेस में। दूसरी ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे कोर ब्रांचेस का भी अच्छा खासा बोलबाला है, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। कारण तीनों में ही गेट के थ्रू भी अच्छी खासी पीएसयूज में अपॉर्चुनिटी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। ठीक है, आईआईटीज बहुत सारे हैं जहां पे आपको मास्टर्स के लिए वेरियस प्रोग्राम मिल जाते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, आईटी, ठीक है, इनमें भी और सीएस में भी। ठीक है, अगर हम बात करें जीपीएससी की तो जीपीएससी भी कोर ब्रांचेस में काफी जॉब लेके आ रहा है, एसएससी जेई कोर ब्रांचेस में काफी जॉब लेके आ रहा है। तो कोर ब्रांचेस का एक गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा एक स्कोप है जो कि मेरे ख्याल से कभी भी कम नहीं होगा। तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल भी अच्छी ब्रांचेस हैं आपके एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें ईसी की तो आपने सुना ही होगा नरेंद्र मोदी जी के थ्रू, प्रधानमंत्री जी के थ्रू, कि भैया इंडिया आने वाले समय में सेमीकंडक्टर का हब होने वाला है। ठीक है, जितनी ईवीज बन रही हैं इन सब में चिप लगेगा, वो कहां से लगेगा भैया, सेमीकंडक्टर के थ्रू ही होगा। अब अगर इंडिया सेमीकंडक्टर का हब बनने वाला है, यानी इसी का भी मार्केट आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा, बूम करेगा। अब अगर इसी का मार्केट भी बूम करने वाला है, मतलब इसी भी एक अच्छी ब्रांच आने वाले समय में आपको ग्रोथ करते हुए दिखेगी। तो आपको एडमिशन के लिए जब आप ब्रांच सिलेक्ट कर रहे हैं तो एकदम वैसा ही है जैसे आप लोग स्टॉक्स परचेस करते हैं। स्टॉक परचेस करते हैं तो उस समय देखना पड़ता है कि भैया आज की वैल्यू नहीं ध्यान में रखते हैं, आने वाले समय में इस स्टॉक का प्रोग्रेस कैसे होने वाला है, उस हिसाब से हम लोग आज के डेट में कोई भी स्टॉक परचेस करते हैं। शेयर की बात कर रहा हूं मैं, तो सेम चीज हमें हमारे ब्रांच का जब हम पास आउट होने वाले हैं उस समय पे क्या उसका फ्यूचर स्कोप रहने वाला है, उसके हिसाब से हमें ब्रांच को सिलेक्ट करना है। कंप्यूटर साइंस नो डाउट अभी टॉप ब्रांच में चल रही है, क्योंकि अभी का अगर आप देखते हो तो बहुत मार्केट बूम बहुत ज्यादा है सीएस के अंदर। बट क्या वो 3 साल बाद भी सेम रहने वाला है, उसको थोड़ा मैं ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वाइल सिलेक्टिंग कंप्यूटर साइंस को। ठीक है, बाकी ब्रांचेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं देखो, मैं कोई जनरलाइज्ड आंसर आपको नहीं दे रहा हूं कि ये ब्रांच अच्छा है, ये ब्रांच अच्छा है। कई बार एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आपको बहुत आगे बढ़ा देता है। अब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यहां दिख रहा होगा कि 63 सीट्स वेकेंट हैं इस कॉलेज के अंदर, बट एक ओशन टेक्नोलॉजी करके एक ब्रांच आती है मास्टर्स के अंदर आईआईटीज में, पहले वो भी वेकेंट रह जाती थी, बट जैसे जैसे उसका स्कोप बढ़ता गया ना, आज के डेट में कट ऑफ बहुत हाई हो गया है ओशन टेक्नोलॉजी का। सेम चीज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है इसका पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सीधा सीधा स्कोप है, सीधा सीधा यहां से आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। गेट खुद का पेपर करवाता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, तो यहां से भी आपका फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में आप मेरे विश्वास मानिए, जैसे लोग बोलते हैं ना कि स्टॉक परचेस करके रख लो फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है, ये एक ऐसी ब्रांच है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जिसका मार्केट ट्रेंड बहुत बढ़ने वाला है आगे के समय में। आप लिख के ले लो, बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी। तो ब्रांच सेलेक्ट करते वक्त थोड़ा ध्यान में रखें कि उसका फ्यूचर स्कोप 2027 में क्या होने वाला है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस में तो 75 का इंटेक है और सब कुछ मिला जुला के 10 सीट्स वेकेंट हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो 20 सीट्स वेकेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 20 सीट्स वेकेंट हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 63 सीट्स वेकेंट है। यहां पे एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप यहां पे ऑप्ट कर सकते हैं इसको। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 35 सीट्स वेकेंट है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए वाइल सिलेक्टिंग एनी कॉलेज कि कौन कौन सी वहां पे कॉलेज में सीट्स वेकेंट हैं और किस किस को हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फैसिलिटीज में क्या क्या है भाई, बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों है, मैस फैसिलिटी भी है। अब लड़कों के लिए कितना है भैया, अगर आप देखते हैं ट्यूशन फी पर ईयर तो 1500 फॉर बॉयज है एंड गर्ल्स के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये भी देख लीजिए ट्यूशन फीस। तो ये सब मेंशन किया हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आप लोग अपने लिए सही फैसला ले सकते हैं। बिफोर योर रिजल्ट मैं भी आपसे मिलूंगा डायरेक्टली, 1-to-1 मीट में मिलेंगे हम लोग, और वहां पे आपको बताऊंगा कि आपके लिए करियर ऑप्शन क्या बेस्ट है। बट फिर भी एक मोटा मोटा हिसाब किताब यहां से बनाते हुए चलो कि कौन सा कॉलेज आपको सीक्वेंस में उठाना है, मतलब अगर आपको अपना एडमिशन करना है तो आपको कौन कौन से कॉलेज में आपको एक लिस्ट बना के रखनी पड़ेगी जो आपके प्रेफरेबल लिस्ट होंगे। कि मान लो मैंने सपोज करो एसएस गांधी चुना, अब मुझे एसएस गांधी नहीं मिला तो इसके बाद मैं कौन से कॉलेज में जा सकता हूं, उसके बाद मैं कौन से कॉलेज में जा सकता हूं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिस्ट आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी हर बच्चे को। देखो टाइम वेस्ट मत करो, मैं हमेशा बोलता हूं सबसे बड़ा बेवकूफ बच्चा वो है जिसने टाइम को ही वेस्ट कर दिया। भाई दुनिया का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है टाइम, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, सबको टाइम पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है डोंट वेस्ट दी टाइम, ठीक है, पिक्चर देखने में वेस्ट मत करो, ठीक है, या घूमने में वेस्ट मत करो। मैं कई बच्चों को देखता हूं कि भैया फ्री है तो चलो शादी में चले जाते हैं, अरे शादी में कर क्या लोगे मेरे भाई, तुम्हारे बिना शादी रुक तो नहीं जाएगी किसी की, नहीं रुकेगी ना, तो फिर क्यों ही हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा हम अपने करियर के लिए एक बेस्ट कॉलेज चुने। देखो
डीडी सेट जब मैंने आपको पढ़ाया तो डीडी सेट क्यों पढ़ाया गया, ताकि आपको एक बहुत बेहतर कॉलेज मिले आपके डिग्री के लिए। डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो बता देता हूं। अगर डिग्री में कुछ भी वीक रह गया ना आपका, या डिग्री पूरी की पूरी वीक हो गई आपकी, तो आपका आने वाला करियर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। याद रखना ये चीज, पूरा करियर खत्म हो जाएगा। तो करियर को इंपॉर्टेंट अगर आपको देख रहे हो, आप अपने करियर की इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं, करियर को अगर आप फोकस देख पा रहे हैं, देन एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज आपको चुनना पड़ेगा। अब अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की डेफिनेशन क्या होती है, कम से कम वहां पर पढ़ाई हो, ठीक है, कम से कम वहां पर आपके प्रैक्टिकल्स हो, कम से कम प्रोग्रामिंग्स हो अगर आप सीएस के हैं तो, ठीक है, और प्लेसमेंट्स अच्छे आए, और आप एक बेहतर एग्जाम दें। जनरली अगर मैं बात करूं हर ब्रांच के लिए, तो गेट होता है, ठीक है, कुछ अलग ब्रांचेज जैसे कोर ब्रांचेज हो गए, जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इनके लिए एसएससी जेई का भी एग्जाम है और इनके लिए जीपीएससी का भी एग्जाम होता है। तो अगर आप उस कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इन एग्जाम की तैयारी करके इन एग्जाम को कंप्लीट करके निकाल लेते हो, तो आप सोचो आपका फ्यूचर कितना बेहतर हो जाएगा। देखो हाथ की पांच उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, मैं हर बार बोलता हूं, क्लास में 60 बच्चा बैठ के पढ़ाई करता है, 60 बच्चे को सेम प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सेम किताब से पढ़ते हो, सेम कंटेंट पढ़ते हो, बट क्या सबके सब बच्चे एक जगह पर पहुंच पाते हैं क्या? मान लो एक बच्चा, लेट अस सपोज कि IOCL के अंदर बैठा हुआ है सिलेक्ट होके, तो क्या बाकी के बाकी 59 स्टूडेंट भी वहां बैठे होंगे क्या? नहीं। क्या बेसिक डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि उस बच्चे ने मेहनत सही टाइम पे कर ली थी, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं। ये बड़े कैनवास पर देखते हो तो आपका करियर है, पर छोटे कैनवास पर जब आते हो तो आपको एक बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज चुनना है अपने लिए, जो आपको आने वाले समय में एक बेहतर इंजीनियर बना के निकाल दे, ठीक है। तो आइए और अगले कॉलेज को देखते हैं। अब अगले कॉलेज की बात करें तो अगला कॉलेज कौन सा भैया? अगला कॉलेज है GEC भरूच, ठीक है। अब भरूच में है, आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग में अगर देखें यहाँ पे तो 75 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें सिर्फ 9 सीट्स वेकेंट बची है, मतलब D2D से 9 सीट्स भर पाएंगे। और केमिकल डेफिनेटली अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर एक टॉप लीडिंग ब्रांच है, कारण है क्योंकि गुजरात खुद ही केमिकल हब माना जाता है, तो टॉप लीडिंग ब्रांच होना भी चाहिए, ठीक है। देखो जनरली ब्रांच का प्रेफरेंस कैसे होता है, अगर अपन देखें तो बच्चे जनरली CS ऑप्ट कर लेते हैं, हर बच्चा CS ऑप्ट करता है कि भाई हमको डेस्क जॉब चाहिए। बट अगर आप देखेंगे फ्यूचर स्कोप देख के चलो ना, थोड़ा सा आज का इंपॉर्टेंस मत देखो कि आज CS का मार्केट क्या है, आज से 3 या 4 साल बाद का स्कोप देखो कि आप जब पास आउट होंगे तब का स्कोप क्या बच रहा है, ठीक है। तो आपको वही देखना है कि भैया आने वाले 4 साल के बाद, जैसे अपन लोग जनरली शेयर्स खरीदते हैं ना, तो स्टॉक्स खरीदते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, आज का हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देखते, आज से 1 साल बाद 2 साल बाद उसकी ग्रोथ कितनी होने वाली, वो हम लोग उसको समझ के आज कोई भी शेयर बाय करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज है, आपको उस ब्रांच को प्रिफर करना है जो आने वाले 4 साल के बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है, ठीक है। डेफिनेटली कोर ब्रांचेस का तो कभी भी टाइम जाता नहीं है, वो चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, बट अगर आप गुजरात में, तो केमिकल भी एक वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी ब्रांच बन जाती है। CS तो अभी चल रहा है, ठीक है, आने वाले समय में आपको देखना है कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, बट एक अच्छा ब्रांच गिना जाता है आज की डेट में भी। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी EC की बात करें तो आपने खुद ही सुना होगा प्रधानमंत्री जी के थ्रू भी कि इंडिया बहुत जल्द ही सेमीकंडक्टर के फील्ड में बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो अगर सेमीकंडक्टर फील्ड में इंडिया आगे बढ़ने वाला है, वहां पे EC के इंजीनियर्स की जरूरत पड़ने वाली है, यानी आपको वहां पे जॉब मिलने की संभावनाएं अच्छी खासी हैं। तो आपके पास देखिए सिविल में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब सिविल में ही आते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स। फिर मैकेनिकल में भी गवर्नमेंट जॉब अच्छी खासी आती है, मैकेनिकल में भी आपको अच्छे खासे PSUs मिलते हैं, सिविल में भी अच्छे खासे PSU मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी मिल जाते हैं। EC आने वाले समय में सेमीकंडक्टर का हब बनने वाला है इंडिया, तो वहां पे प्रायोरिटी रहने वाली है। केमिकल हब ऑलरेडी गुजरात है, तो यहां पे आपको केमिकल में तो सोचने की बात ही नहीं है। और रहा CS, तो CS का आज के डेट में मार्केट ट्रेंड बहुत अच्छा है, आज से 3 साल बाद के बाद क्या होने वाला है वो आपको थोड़ा सा एक फ्यूचर स्कोप को देख के चलना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ, अगर बहुत अच्छा है देन CS ऑप्ट करिए, नहीं है तो फिर अभी सोच के चलिए कि भाई बैक माइंड में कि हमें करना क्या है, ओके। अब देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग को। तो सिविल इंजीनियरिंग की 75 सीट्स हैं GEC भरूच के अंदर और 70 सीट्स खाली हैं, काफी ज्यादा नंबर्स में सीट खाली हैं। अब आपके पास एक फेवरेबल ऑप्शन बचता है इसको सिलेक्ट करने का, बट अगेन फिर से बोल रहा हूं, कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त थोड़ा ध्यान दें कि भैया उस कॉलेज में पर्टिकुलरली उस ब्रांच की पढ़ाई कैसी है, उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 75 सीट्स है, 11 सीट्स वेकेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 75 सीट्स है, 33 सीट्स वेकेंट है। अब बात करते हैं EC की, 75 सीट्स है, 15 सीट्स वेकेंट है। और मैकेनिकल में 150
उनका टोटल इनटेक है और 106 सीट्स वेकेंट हैं। तो कहीं ना कहीं यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि अगर आप देखते हैं तो केमिकल और कंप्यूटर्स का तो बहुत ज्यादा स्कोप बच्चों में दिख रहा है, क्रेज बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, बट मैकेनिकल और सिविल में कहीं ना कहीं जीएससी भरूच के अंदर दिख रहा है कि बच्चा कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे को अगर केमिकल या हमें अगर सीएस या हमें कोई और ब्रांच मिल जाए तो चलेगा, बट हमें मैकेनिकल या सिविल नहीं लेना है। बट मैं फिर से बोल रहा हूं, आगे आने वाले समय में भयंकर जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो उसको सोच के चलिए, ठीक है। कोई भी फैसला लेने से पहले ना 5 बार सोचो, ठीक है। कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं, ठीक है, कि कुछ बोलने से पहले 5 बार सोचिए। सेम चीज जब आप यहां पे कुछ चीज को सिलेक्ट करने वाले अपने करियर के लिए, थोड़ा सोच के समझ के चलिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारी ब्रांचेस हैं, देखिए कोई ब्रांच कम नहीं होती, कोई ब्रांच ज्यादा नहीं होती, कोई कॉलेज अच्छा नहीं होता, कोई कॉलेज बुरा नहीं होता, बट डिपेंड करता है आप कैसे हैं। अगर हम अच्छे तो दुनिया अच्छी, अगर हम बेकार हैं तो दुनिया हमें उसी नेगेटिव एनर्जी से दिखाई देती है, उसी नेगेटिव माइंड फ्रेम से दिखाई देता है हमको, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को उसके लिए हिसाब से बनाइए और एक अच्छा प्रेफरेंस लिस्ट सिलेक्ट करिए। मैं भी हेल्प करूंगा आपको, ठीक है, बट आज मैं आपको यहां बताने आया हूं पूरे कॉलेजेस के बारे में। अब यहां पे भी बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, मैथ्स की फैसिलिटी है, 1500 फॉर बॉयज है एंड निल फॉर गर्ल्स है, ठीक है। जनरली सारे जीसीस का यही पैटर्न है अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। अगला, अब यहां पे ट्रेंड उल्टा दिख जाएगा। जीसी भावनगर में देखो आप, जीसी भावनगर में मैं खुद गया हुआ हूं इस कॉलेज में, इसलिए मुझे पता है। अब यहां पे अगर आप देखते हैं तो सिविल का देखिए, 75 का इनटेक है, 14 सीट्स अवेलेबल है, किसके लिए, D2D एंट्री के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल रिवर्स हो गया, ठीक है। फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग 75 सीट्स यहां पे इनटेक है, 8 सीट्स लेफ्ट है। फिर अगर बात करें ईसी की तो अगेन 75 का इनटेक है, 19 सीट्स लेफ्ट है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है नहीं यहां पे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, 75 का इनटेक है, 14 सीट्स लेफ्ट है। फिर आईटी की बात करें तो 75 सीट्स का इनटेक है और 10 सीट्स लेफ्ट है यहां पे। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 150 का इनटेक है और 100 सीट्स लेफ्ट है। अगेन एक ड्रास्टिक नंबर दिख रहा है आपको, बट मैकेनिकल भी एक बहुत अच्छी ब्रांच है, ठीक है, बहुत अच्छी ब्रांच। देखो इंजीनियरिंग का ट्रेंड है कि भाई अप डाउन होता है, बट फिर भी बोलता हूं आज से 4 साल बाद का फोकस करके रखिएगा अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि आप जब पास आउट होंगे आपका एडमिशन होगा इस साल, यानी आप समझ लो लगभग 2024 में आपका एडमिशन हो रहा है। अब यहां 2024 से 2025 पहला साल हो गया आपका, 25 से 26 दूसरा साल हो गया और 26-27 आपका तीसरा साल हो गया, 27 में आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब 27 में क्या चीज टॉप पे रहने वाली है उसको फोकस करके अभी से एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। अगेन बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल मैथ्स है, 1500 फॉर बॉयज है एंड निल फॉर गर्ल्स है, ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं मैं। थोड़ा तेज चलेंगे अब, ठीक है, आप सिर्फ कॉलेज पे बात करेंगे। जीसी भुज की बात की जाए, केमिकल के अंदर 75 का इंटेक है, 67 वेकेंट है। सिविल के अंदर 75 का इंटेक है, 71 वेकेंट है। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, 75 का इंटेक है, 66 वेकेंट है, ठीक है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है ही नहीं यहाँ पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 75 का टोटल इंटेक है, ठीक है, और अगर बात करें सब कुछ मिला जुला के तो 79 सीट्स तो वेकेंट है यहाँ पे, ठीक है। और माइनिंग की बात करें तो 38 का इनटेक है और सब कुछ मिला जुला के 40 सीट्स वेकेंट है यहाँ पे अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सीट्स वेकेंट है। देखो इसका कारण है, जीसी भुज थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा आउटर एरिया में पड़ता है, तो लोग सोचते हैं कि भाई हमको यहीं का जीसी मिल जाए। तो अब ये भी है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा जीसी ले रहे हो। कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं मैं कौन सा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कर लूं, मैं फिर वहां पे मैं बताता हूं कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक कॉलेज बहुत अच्छा हो, ठीक है, आप वहां जा सकते हो, रिलोकेट हो सकते हो तो बहुत अच्छा है, या दूसरा अगर आप लोकल हो, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अगर मान लो भावनगर का है तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि भैया कि तुम आ जाओ यहाँ पे भरूच आ जाओ, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बच्चा रिलोकेट होने को तैयार ही नहीं है। तो फिर मैं क्या बोलूंगा भैया कि तुम भावनगर का कॉलेज भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे को या तो बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए या तो उसको अपने पर्टिकुलर एरिया में कॉलेज चाहिए, तो डिपेंड है आपके ऊपर कि आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है। अगला आता भैया जीसी दाहोद। अगर हम जीसी दाहोद की बात करें तो 38 का इंटेक है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 32 सीट्स वेकेंट है D2D के लिए। कंप्यूटर साइंस के अंदर 75 का इंटेक है, 15 सीट्स लेफ्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 38 का इंटेक है, 33 वेकेंट है। ईसी के अंदर 38 का इंटेक है, 23 वेकेंट है। और मैकेनिकल के अंदर 75 का इंटेक है और सब मिला जुला के 83 वेकेंट है। अब देखिए अगला कॉलेज है बेटा आपके पास कौन सा, जीसी गोधरा।
अब गोधरा में अगर आप देखते सिविल के अंदर 38 का इंटेक है, D2D हो गया 4, तो टोटल मिला कितना हो गया भैया, लगभग होगी 42 सीट्स। ठीक है, कितनी वेकेंट है भैया, तो 35 सीट्स वेकेंट है उसमें से। ठीक है, तो 35 के आपके पास ऑप्शन है 35 सीट्स का यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का। फिर अगला बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो 34 सीट्स वेकेंट है, और बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 76 सीट्स वेकेंट है। और अगेन अगर जीसी की बात करें, सब जगह पे एक ही चीज है, ट्यूशन फी में 1500 रुपए लड़कों के लिए है, और लड़कियों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ट्यूशन फी। ठीक है, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और मैस मैक्सिमम जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये पैरामीटर कॉमन है, तो ये बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर अगले कॉलेज की बात करें तो जीसी मोडासा, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर आप देखते हो तो 42 सीट्स वेकेंट है। अगर सिविल के अंदर देखते हो तो 60 सीट्स वेकेंट है। अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर देखें 27 सीट्स वेकेंट है। इलेक्ट्रिकल के अंदर देखें 71 सीट्स वेकेंट है। अगर ईसी के अंदर देखते हैं तो 8 सीट्स वेकेंट है। अगर हम आईटी के अंदर देखते हैं तो 29 सीट्स वेकेंट है, और मैकेनिकल के अंदर 72 सीट्स वेकेंट है। ठीक है, तो ये रहा जीसी मोडासा का सीट्स का बाइफर्केशन। अब बात करते हैं जीसी पालनपुर का। पालनपुर भी एक अच्छे कॉलेज में गिना जाता है, ठीक है, वन ऑफ द अच्छे कॉलेज में गिना जाता है जीसी पालनपुर भी। ठीक है, अगर आप यहां पे देखते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का 75 सीट्स हैं और 49 वेकेंट है, मतलब आपके एक अच्छा खासा ऑप्शन है यहां पे कि आप सिविल सिलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी अच्छा खासा आपके पास ऑप्शन है, 19 सीट्स वेकेंट है यहां पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 31 सीट्स वेकेंट है, आप यहां पे भी सिलेक्ट हो सकते हैं। मैकेनिकल 73 सीट्स वेकेंट है, और माइनिंग को अगर आप देखते तो माइनिंग तो है ही नहीं यहां पे। एक जनरल पैटर्न दिखाई दिया, मैकेनिकल का हर जगह पे नंबर ज्यादा है वेकेंट का। ठीक है, कारण है बच्चे सोच रहे हैं कि भैया मैकेनिकल में हम लोग अगर एडमिशन लेते हैं तो क्या हो जाएगा। भाई मैकेनिकल जैसी ब्रांच ना मतलब ढूंढने पे मिलती है। हाँ, अभी के डेट में, आज की डेट में अगर मैकेनिकल का ट्रेंड देखें थोड़ा कम है, पर आप देखिए जिस तरह से, अगर आपने सुना हो नितिन गडकरी साहब को और अगर आपने सुना हो मोदी जी को, तो आपने ध्यान सुना हो इनके, अगर पिछले अगर आपने कुछ इंटरव्यूज देखे हों तो इन्होंने कहा है कि ईवी का सेगमेंट आगे आने वाले समय में बूम करेगा। ठीक है, ईवी हो गया, इथेनॉल प्रोडक्ट्स पे जो चलने वाला है वो बूम करने वाला है। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कौन करेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करेगा मेरे भाई। ठीक है, उसके लिए जो आपको ये लगने वाला है सेमीकंडक्टर लगने वाला है वो कौन देगा, ईसी का बंदा देगा। ठीक है, जो आपको उसके अंदर टेक्नोलॉजी लगने वाली, जो सॉफ्टवेयर लगने वाला कौन देगा, कंप्यूटर साइंस का बंदा देगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नितिन गडकरी साहब ने इतना ज्यादा फोकस किया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखें फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ गुजरात उठा के देखिए तो सिविल का कभी भी यहां पे डाउनफॉल आने वाला ही नहीं है। बट बच्चे को सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, शॉर्ट टर्म। आप लोग बहुत शॉर्ट टर्म गोल को फोकस किए हुए हो, लॉन्ग टर्म विजन को देखोगे ना तो आप देखिए इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, और जिस तरह मोदी जी ने सोच के रखा हुआ है तो डेवलप्ड में कन्वर्ट होने जा रहे हैं हम लोग। और अगर डेवलप्ड में कन्वर्ट होने जा रहे हैं तो कोई भी ब्रांच ऐसा नहीं होगा जो डाउन होगा, ये गारंटी है कि ये डाउन नहीं होने वाले ब्रांचेस। तो थोड़ा सा आप लोग मैकेनिकल को ना उस नजरिए से मत देखो कि क्या स्कोप है मैकेनिकल का। भाई मैकेनिकल का बहुत ज्यादा स्कोप है आने वाले टाइम में। हाँ, अब बच्चा ये बोलता है मेरे भविष्य का क्या होगा, भाई तुम्हारा भविष्य तुमको खुद निर्धारित करना है कि तुम किधर जाने वाले हो। तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम कंप्यूटर ले लो तो भी तुम बेरोजगारी रहोगे। ठीक है, अगर अच्छा पढ़ गए तो भाई एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच में आप धंधे गाड़ सकते हो, भाई आप ONGC में सिलेक्ट हो सकते हो, कहां लगे हो आप। ठीक है, तो इंजीनियरिंग को छोटे लेवल पे जब भी देखोगे ना तो आपको उतना ही डोमेन दिखाई देगा कि CS, IT, CS, IT, CS, IT। थोड़े बड़े कैनवास पे देखोगे तो EC, सिविल, मैकेनिकल, EE, ठीक है, केमिकल, इन सब का फ्यूचर स्कोप एनवायरमेंटल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फ्यूचर स्कोप है इनका। ठीक है, आइए अब बात करते हैं जीसी पाटन का। तो पाटन एक अच्छा खासा कॉलेज है जहां पे अगर आप देखते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 67 सीट्स वेकेंट हैं। ठीक है, दिख ही रहा है ना, एक कॉमन पैटर्न है कि जितनी भी कोर ब्रांचेस हैं उसके अंदर आपको दिख रहा है कि भैया सीट्स कितनी ज्यादा वेकेंट है। इलेक्ट्रिकल देख लो, मैकेनिकल देख लो, 74 और 76 सीट्स, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भैया कोर का ना जमाना गया। भाई कोर तो कोर है ना, इसके बिना तो कोई और ब्रांच चल ही नहीं सकती, तो कोर तो कोर है, वो कभी डाउनफॉल आएगा ही नहीं उसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। कंप्यूटर साइंस के अंदर 150 में से सिर्फ 22 सीट्स वेकेंट है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 15 सीट्स वेकेंट है। आप ये भी तो देखो, एक थोड़ा सा कुछ छोटा सा हिस्सा समझाता हूं। इंडिया में हर कॉलेज में अगर आप देखते हो, ऑलमोस्ट हर कॉलेज में देखो आप 150 सीट्स अवेलेबल है सीएस की, हर कॉलेज में 150 सीट्स अवेलेबल है। अगर एक साल का आप सिर्फ और सिर्फ ये देखते हो ना कितना बच्चा पास आउट होता है, तो आप एक गणित लगाओ अपने दिमाग में कि इतना बच्चा पास आउट हो रहा है, इतना जॉब्स अवेलेबल है, तो भाई एक जॉब पे कितने स्टूडेंट्स का रेशियो निकल के आता है।
सीधा सा फंडा है, एक जॉब के लिए कितने लोग एलिजिबल हो रहे हैं, एक वैकेंसी के लिए आपको अपने आप दिख जाएगा ट्रेंड किधर जा रहा है। ठीक है, तो मैं वो चीज नहीं बोल रहा हूं आपको, बट थोड़ा सा कोर डोमेन को भी आपको आगे बढ़ाना है। हर बच्चा, अगर कोर डोमेन का बच्चा भी अगर सीएस लेके बैठ जाएगा तो ना वो कोर डोमेन का रहेगा ना सीएस का रहेगा। बोलते हैं ना कि गिरगिट को देख के भाई गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है ना, गिरगिट का रंग रहेगा ना खुद का रंग रह जाएगा। तो अपने प्लस पॉइंट पे खेलो। ठीक है, एमएस धोनी, ठीक है, लीग से हटके विकेट कीपर थे, उनने खुद ने कहा एक इंटरव्यू में कि मैं बाकी विकेट कीपर्स की तरह नहीं था, मैं बॉल को आने, जब मेरे पास जब बॉल ग्लव्स में आ जाती थी तो मैं बॉल को पीछे नहीं खींचता था कि और टाइम नहीं देता था बॉल को कि भाई मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाए ताकि इंपैक्ट इतना ज्यादा ना हो, क्योंकि ग्लव्स में ऑलरेडी इतना कॉटन था कि भाई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो डायरेक्टली क्या करते थे, डायरेक्टली वो विकेट के ऊपर उसको स्नैच कर देते थे बॉल को। ठीक है, तो हर बंदे का अलग अलग प्लस पॉइंट होता है, आपको अपने प्लस पॉइंट पे खेलना है। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। अब देखिए जीसी राजकोट में यहां पे एक नया ब्रांच इंट्रोड्यूस किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। ठीक है, 75 का इंटेक है, 11 सीट्स वेकेंट है। ठीक, तो आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल यहां है नहीं, सिविल के अंदर 75 सीट्स हैं जिसके अंदर 56 वेकेंट्स हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 150 सीट्स का इंटेक है, 19 सीट्स वेकेंट हैं। सेम इलेक्ट्रिकल के अंदर 23 सीट्स वेकेंट हैं, इसी के अंदर 39 सीट्स वेकेंट हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर 37 सीट्स वेकेंट हैं, मैकेनिकल एंड रोबोटिक्स के अंदर 30 एंड 44 सीट्स वेकेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम का सेम कहानी है, बस यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा जीसी राजकोट के अंदर कि यहाँ पे बॉयज का तो हॉस्टल है पर गर्ल्स का हॉस्टल यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी चीजें सेम है, ट्यूशन फी की। देखो अब बात करते हैं जीसी गांधीनगर की। तो जीसी गांधीनगर में कुछ ब्रांचेस बहुत नई है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल नया है यहाँ पे। ठीक है, मेटलर्जी, ठीक है, नई ब्रांच है यहाँ पे। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन नया है यहाँ पे। अब अगर देखते हो बायोमेडिकल के अंदर तो 76 सीट्स वेकेंट है। ठीक है, सिविल के अंदर देखते हो तो 24 सीट्स वेकेंट है यहाँ पे। अब आपको यहीं पे दिख गया भैया तुरंत कि सिविल का यहाँ पे कितना कम सीट्स वेकेंट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर चाहें तो। कंप्यूटर के अंदर 21 सीट्स वेकेंट है तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देखो 16 सीट्स वेकेंट है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स 150 का इंटेक है, 29 सीट्स ही वेकेंट है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो अप्लाई। ठीक है, फिर बात करें आईटी की, 75 सीट्स का टोटल इंटेक है, 15 सीट्स लेफ्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात किया जाए 75 सीट्स का इंटेक है, 47 वेकेंट्स है। मैकेनिकल की बात किया जाए 75 का इंटेक है मेरे भाई और सिर्फ 19 सीट्स वेकेंट हैं, सिर्फ 19 सीट्स वेकेंट है, तो यहां पे भी भर सकते हैं। बॉयज गर्ल्स हॉस्टल दोनों हैं और बाकी क्राइटेरिया तो सेम ही चल रहा है। ओके, कॉलेज चुनने की प्रायोरिटी आपके ऊपर है। देखो मैं कोई कॉलेज को ना, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि कोई कॉलेज अच्छा या बुरा होता है, मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ ये चीज। ठीक है, हर कॉलेज अच्छा है, हर कॉलेज में पढ़ाई होती है, बट डिपेंड आप पे कि आप कितना पढ़ते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है, अगला आता है जीईसी वलसाड। तो केमिकल के अंदर 37 सीट्स वेकेंट है, सिविल के अंदर 47 सीट्स वेकेंट है, इलेक्ट्रिकल के अंदर 8 सीट्स वेकेंट है, एनवायरमेंटल है नहीं यहाँ पे, मैकेनिकल के अंदर 90 सीट्स वेकेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले कॉलेज की, एलडी अहमदाबाद। ठीक है, अच्छा खासा कॉलेज है क्योंकि आपको ब्रांचेस ही दिख रही हैं, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, तो कॉलेज का काफी ज्यादा इंजीनियरिंग सेगमेंट में डील करता है यहाँ पे। अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की, 11 सीट्स वेकेंट है। अगर ऑटोमोबाइल की बात की जाए तो 30 सीट्स वेकेंट है। बायोमेडिकल की बात की जाए 15 सीट्स वेकेंट है। केमिकल की बात किया जाए 10 सीट्स वेकेंट है। सिविल की बात किया जाए तो 20 सीट्स वेकेंट है। कंप्यूटर 22 सीट्स वेकेंट है। इलेक्ट्रिकल 16 सीट्स वेकेंट है, एंड सो ऑन, सारे के सारे सीट्स का यहाँ पे बाइफर्केशन आपके सामने है, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे भी। अब बात करते हैं अगले कॉलेज की, एली मोरबी। ठीक है, अब मोरबी के अंदर देखोगे तो केमिकल 75 का इंटेक है, 34 सीट्स अवेलेबल है आपके पास। सिविल के अंदर 70 सीट्स का वेकेंट सीट्स हैं। फिर इलेक्ट्रिकल के अंदर 77 सीट्स वेकेंट है। इंडस्ट्रियल है नहीं यहाँ पे। ठीक है, आईटी 38 का इंटेक है, 5 सिर्फ लेफ्ट है। मैकेनिकल की बात की है 75 का इंटेक है, प्लस अगर 8 मिला दूं डी टू डी का तो टोटल मिला के 81 सीट्स वेकेंट आती है यहाँ पे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है नहीं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है नहीं, तो फिर ये भी आपका यहाँ पे बाइफर्केशन मैंने बता दिया एली मोरबी का। बात करें शांतिलाल शाह इंजीनियरिंग कॉलेज भावनगर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है,
आईटी है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन है नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अगर इनका बाइफर्केशन देखें कितना कितना वेकेंट है, 76 सिविल के अंदर वेकेंट है, इलेक्ट्रिकल के अंदर 58 है, आईटी के अंदर 24 सीट्स वेकेंट है एंड मैकेनिकल के अंदर 41 सीट्स वेकेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगला आता है विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, चांदखेड़ा, गांधीनगर। अब अगर यहाँ देखते हो आप तो यहाँ पे भी केमिकल के अंदर 10 सीट्स वेकेंट है, सिविल के अंदर 11 सीट्स वेकेंट है, कंप्यूटर के अंदर 19 सीट्स वेकेंट है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर डेटा साइंस में 8 सीट्स वेकेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 25 सीट्स वेकेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 27 सीट्स वेकेंट है एंड सो ऑन। बाकी ब्रांचेस का भी बाइफर्केशन ये है आपके सामने, ठीक है, दीज आर दी वेकेंट सीट्स। थोड़ा सा ध्यान रखिए व्हाइल सिलेक्टिंग दी कॉलेज। देखिए अभी कहानी खत्म हो गई किन कॉलेजेस की, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे। अब आते हैं जो ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, तो अब इनकी बात की जाए तो इनमें सबसे पहला कॉलेज आता है बीवीएम, ठीक है, बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय विद्यानगर में, ठीक है, अच्छे कॉलेज में ही काउंटिंग में आता है। अब बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, 150 सीट्स का इंटेक है, 38 सीट सिर्फ वेकेंट है, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल ओपिनियन के पॉइंट से जाने तो ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूट में बात करें तो अच्छा कॉलेज है, आप कर सकते हैं यहाँ पे भी अप्लाई। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 75 सीट्स का इंटेक है, 19 सीट्स वेकेंट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल प्रोडक्शन में दीज आर दी वेकेंट सीट्स, ठीक है, तो अच्छा कॉलेज है, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल मैथ्स की फैसिलिटी है और 1500 फॉर बॉयज एंड नील फॉर गर्ल्स है, मतलब सेम ही है, सिर्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर नहीं काउंट करते हैं, ग्रांट इन इंस्टीट्यूट के अंदर काउंट किया जाता है। बाकी पढ़ाई टॉप नॉच, ठीक है, फिर बाकी सारी फैसिलिटी एकदम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह पढ़ाई टॉप नॉच, ठीक है, फिर अगर प्रैक्टिकल्स के लिए आप इक्विपमेंट देखते हैं टॉप नॉच, ठीक है, प्लेसमेंट देखते हैं टॉप नॉच, तो ये सब कुछ अच्छे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेट अस सपोज कि अगर इन कॉलेजेस में जाना है तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छे कॉलेजेस हैं ये भी, ठीक है। सेकंड आते हैं एमएसयू, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग है, 4 सीट्स वेकेंट है, ये तो वडोदरा के अंदर ही है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 16 सीट्स वेकेंट है यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 12 सीट्स वेकेंट है, इलेक्ट्रिकल के अंदर 8 सीट्स वेकेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 7 सीट है, मैकेनिकल के अंदर 13 सीट्स वेकेंट है, मेटलर्जी के अंदर 11 सीट्स हैं, टेक्सटाइल के अंदर 37 है, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के अंदर 82 सीट्स वेकेंट है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के अंदर 33 सीट्स एंड वाटर मैनेजमेंट के अंदर 34 सीट्स वेकेंट है, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये सारी भी ब्रांचेस आपके सामने हैं। अगला कॉलेज है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, धर्म सिंह देसाई यूनिवर्सिटी, ठीक है, नडियाड, मतलब सीधा सीधा बात है DDIT की बात हो रही है, ठीक है, कौन सा कॉलेज है, DDIT है ये। अब अगर DDIT में देखते हैं आप तो केमिकल इंजीनियरिंग में 68 सीट्स का इंटेक है और 8 वेकेंट है, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो केमिकल तो हर जगह पे टॉप नॉच है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा हब ही है ना केमिकल का, कौन गुजरात, तो यहाँ पे तो केमिकल में तो वेकेंट सीट्स मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 75 का इंटेक है, 16 सीट्स वेकेंट है, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 56 का इंटेक है, 7 सीट्स वेकेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर 56 प्लस 6 का इंटेक है और 7 सीट सिर्फ और सिर्फ वेकेंट है। अगर बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर तो 13 सीट्स वेकेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम PPP इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो GIDC उसमें से एक है, ऑटोमोबाइल में बात करें 4 सीट्स यहाँ पे वेकेंट है, ठीक है, 34 प्लस 3 का इंटेक है, फिर सिविल की बात करें तो 68 प्लस 7 68 सीट्स वेकेंट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें 68 प्लस 7 तो यहाँ पे 7 सीट्स वेकेंट है, इलेक्ट्रिकल के अंदर बात करें 68 प्लस 7 57 सीट्स वेकेंट है और मैकेनिकल के अंदर 68 प्लस 7 56 सीट्स वेकेंट है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैथ्स फैसिलिटी और ट्यूशन फीस आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वाइल सिलेक्टिंग द इंस्टीट्यूट्स। अब आते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पे। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड विद GTU की बात करें, सबसे पहला है अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, 18 सीट्स वेकेंट है एंड सो ऑन, ऑटोमोबाइल सिविल कंप्यूटर इसके अंदर ये सीट्स वेकेंट है आपके सामने है, ठीक है, ट्यूशन फीस भी आपके सामने है और ट्रांसपोर्टेशन एंड मैथ्स की फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आप देखेंगे और चीज़ें तो यहाँ पे और दूसरे कॉलेजेस भी मिल रहे हैं, जैसे अल्फा कॉलेज की बात हो गई, अपोलो हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं यहाँ पे, तो आप इनकी लिस्ट भी देख सकते हैं, मैं आपको ये लिस्ट भी डाल दूंगा कहाँ पे, इस पूरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये, ठीक है।
अब मैंने आपको अभी प्राइवेट कॉलेज बताए थे जो जीटीयू के साथ अफिलिएटेड थे, अब जो प्राइवेट कॉलेज हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ अफिलिएटेड हैं उनके बारे में भी देख सकते हैं, एडी पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, विद्यानगर में। तो अब यहाँ पर अगर आप बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं तो इनके पास भी इतनी सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं और इनके पास ये सीट्स वेकेंट हैं, ठीक है। देखिए मैं हर कॉलेज का नाम यहाँ पे क्यों नहीं ले पा रहा हूँ प्राइवेट की अगर मैं बात करता हूँ तो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसीलिए इस पूरी इन्फॉर्मेशन को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, आप वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, पर पूरा डेटा आपके काम का है ये। अब यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट आते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बाय स्टेट गवर्नमेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे चारू सेट है। तो चारू सेट के अंदर अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 65 का इंटेक है, सिर्फ 9 सीट्स वेकेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग के अंदर तो 65 का इंटेक है प्लस 7 सीट्स D2D की हो गई, तो 69 यहां पे वेकेंट है। अगर बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तो 130 में सिर्फ 28 सीट्स वेकेंट है। बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की तो 8 सीट्स वेकेंट है, एंड सो ऑन। ये बाकी सारी ब्रांचेस का डेटा है और ये बाकी सारे वेकेंट सीट्स का डेटा है, एंड सो ऑन। अगर आप देखते जाएंगे तो अगला इसी के बाद आप और देखते आइए तो लिस्ट में आपको दिखते जाएंगे सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मारवाड़ी एजुकेशन फाउंडेशन ग्रुप, ठीक है, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड सो ऑन। नाउ यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा का पूरा कॉलेज की लिस्ट बताई, उन कॉलेज में कितना उसका इनटेक है डायरेक्ट डिग्री का, कितना D2D का उनने परसेंटेज रखा हुआ है, क्या क्या फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या उनकी ट्यूशन फीस है, ये मैंने डेटा आपको अभी बताया, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दैट डेटा अगर आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं कॉलेज, बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं मेरे हेल्प की जरूरत है, एक गूगल फॉर्म मैंने यहाँ पे डाल के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए उसे फिल करिए। अगर आपको मेरे इतना बताने के बाद भी अगर दिक्कत जा रही है किसके लिए फैसला लेने के लिए, अपने कॉलेजेस के फैसला लेने के लिए कि कौन सा कॉलेज मुझे एडमिशन के लेना चाहिए, ठीक है, लिस्ट बनाने में दिक्कत हो रही है, कुछ भी अगर दिक्कत जा रही है, तो एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्या क्या ऑप्शन मेंशन है सुन लीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन मेंशन है कि आपको इतने में समझ में आएगा कौन सा कॉलेज भरना है, तो आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है या कुछ भी आएगा, आपको कुछ भी वेबिनार वगैरह नहीं चाहिए, आपका इतने में हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ये रहेगा। सेकेंड ऑप्शन ये रहेगा कि आपको इसके ऊपर एक वेबिनार चाहिए जहां पे मैं आपको ये बताऊं कौन सा कॉलेज आपको ऑप्ट करना चाहिए, कितने मार्क्स पे ये मिलेगा, उसका एक वेबिनार कर लें हम लोग। तीसरा एक ऑप्शन ये है कि हम लोग फिजिकल मीटिंग कर लें, फिजिकल मीटिंग मतलब आप हमारे सेंटर पे आए, यहाँ पे आप आके पूरा का पूरा हमारा हॉल रहेगा, उसके अंदर हम लोग मिलेंगे, आप सब यहाँ पे बैठेंगे और फिर मैं आपको एक ओपन फोरम पे वो चीज़ समझाऊंगा कि कौन कौन सा कॉलेज आपको भरना चाहिए। तो तीन ऑप्शंस मेरे पास हैं, पहला कि आपको इस वीडियो सब कुछ समझ में आ गया तो आपको आगे की कोई गाइडेंस जरूरत नहीं, आप खुद ही भर लोगे। दूसरा कि आपको इसके ऊपर एक वेबिनार चाहिए जहां पे मैं आपको गाइड करूंगी आपको कौन सा कॉलेज भरना चाहिए। थर्ड वन, फिजिकली आप यहाँ सबके सब कॉन्फ्रेंस अटेंड करना आना चाहते हैं जहाँ पे मैं आपको फिजिकली ये बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे आपको ऑफलाइन मोड पे डेफिनेटली कि कैसे आपको कौन कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, फॉर योर फ्यूचर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है, मुकेश राय सर ने आपको इतना हेल्प कर दिया है। नाउ आगे का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सेफ रहिए, ठीक है, और मस्त रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।